वैक्सीन पर। वैक्सीन से जरूरी कोई चीज है क्या जो आज आपने राज्यों को, और प्रणव जी ने सही कहा, 35,000 करोड़ का बजट आवंटन, एक महीने के बाद बोले आप जानो, आपका काम जाने, आत्मनिर्भर बनिए। वैक्सीन पर 5% की जीएसटी, क्या ये जस्टिफाइड है? रेमडेसिविर एक लाइफ सेविंग ड्रग है, उसके ऊपर 12% की जीएसटी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12% की जीएसटी, वेंटिलेटर्स पर 12% की जीएसटी, मेडिकल ऑक्सीजन पर 12% की जीएसटी, फेस शील्ड और पीपी किट्स पर 18% की जीएसटी, सैनिटाइजर पर 18% की जीएसटी। और हद तो जब हो गई जब मैंने देखा एम्बुलेंस, जिसकी की शॉर्टेज है आज देश में, उसके ऊपर 28% की जीएसटी। ये आपदा में अवसर सरकार, ऐसा इतने बेरहम ना बनो, इतने बेरहम ना बनो ना। पॉजिटिविटी का प्रसार करने की बात करते हो आप, पर यहाँ पे जीएसटी आपने जो लगा रखी है, लोगों की जेब से लोगों की नौकरियां जा रही है, लोगों के परिवार में सदस्यों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा, लोगों को कंसंट्रेटर नहीं मिल रहे, लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही, और आप एम्बुलेंस का 28% जीएसटी लेते हो। ये क्या बेरहमी है? ऐसा क्या पाप किया हिंदुस्तान के लोगों ने आपके ऊपर अपना विश्वास जता के? मुझे लगता है ये चरितार्थ कर दिया आपने कि आप आपदा में अवसर सरकार हो, आप सिर्फ अपना अवसर देखते हो, लोग किस कष्ट से जूझ रहे हैं उसके बारे में नहीं सोचते हो। साथियों, मैंने सिर्फ 3 गणना करी, वैक्सीन, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। इन तीनों पर अगर जीएसटी हटा दी जाए तो आम लोगों को, हिंदुस्तान के आप जैसे मेरे जैसे करोड़ों लोगों को 6,000 करोड़ से ज्यादा का फायदा होगा। वैक्सीन पर, वैक्सीन से जरूरी कोई चीज है क्या जो आज आपने राज्यों को, और प्रणव जी ने सही कहा, 35,000 करोड़ का बजट आवंटन, एक महीने के बाद बोले आप जानो, आपका काम जाने, आत्मनिर्भर बनिए। वैक्सीन पर 5% की जीएसटी, क्या ये जस्टिफाइड है? रेमडेसिविर एक लाइफ सेविंग ड्रग है, उसके ऊपर 12% की जीएसटी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12% की जीएसटी, वेंटिलेटर्स पर 12% की जीएसटी, मेडिकल ऑक्सीजन पर 12% की जीएसटी, फेस शील्ड और पीपी किट्स पर 18% की जीएसटी, सैनिटाइजर पर 18% की जीएसटी। और हद तो जब हो गई जब मैंने देखा एम्बुलेंस, जिसकी की शॉर्टेज है आज देश में, उसके ऊपर 28% की जीएसटी। ये आपदा में अवसर सरकार, ऐसा इतने बेरहम ना बनो, इतने बेरहम ना बनो ना। पॉजिटिविटी का प्रसार करने की बात करते हो आप, पर यहाँ पे जीएसटी आपने जो लगा रखी है, लोगों की जेब से लोगों की नौकरियां जा रही है, लोगों के परिवार में सदस्यों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा, लोगों को कंसंट्रेटर नहीं मिल रहे, लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही, और आप एम्बुलेंस का 28% जीएसटी लेते हो। ये क्या बेरहमी है? ऐसा क्या पाप किया हिंदुस्तान के लोगों ने आपके ऊपर अपना विश्वास जता के? मुझे लगता है ये चरितार्थ कर दिया आपने कि आप आपदा में अवसर सरकार हो, आप सिर्फ अपना अवसर देखते हो, लोग किस कष्ट से जूझ रहे हैं उसके बारे में नहीं सोचते हो। साथियों, मैंने सिर्फ 3 गणना करी, वैक्सीन, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। इन तीनों पर अगर जीएसटी हटा दी जाए तो आम लोगों को, हिंदुस्तान के आप जैसे मेरे जैसे करोड़ों लोगों को 6,000 करोड़ से ज्यादा का फायदा होगा।